इन्होंने प्लांट को मॉर्फोलिकल एंड ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया हर्ब्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स को दो टाइप में रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में डिवाइड किया टोटल के स्टूडेंट थियोफेस्टस थे इन्हें प्लांट ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंसियंट प्लांट एक्सोनॉमी के रूप में बोलते हैं हम इसको थियोफिस्टिस और एरिस्टोटल दोनों ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे थियोफिस्टिस ने हिस्टोरिया प्लांटेरियम बुक राइट ऑल्सो थियोफिस्टिस ने प्लांट डायवर्सिटी को, को ग्रोथ और हैबिट के बेसिस पे फोर टाइप में डिवाइड किया वॉज डी डिस्क्राइब फर्स्ट ट्रीज सेकेंड सर्वस थर्ड अंडर सर्व्स एंड फोर्थ हर्ब्स बट द थियोफिस्टिस क्लासिफिकेशन नॉट नेचुर उसके बाद कार्लस लिनियस आए कार्लस लिनियस सेवनटीन हंड्रेड सेवन टू सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट तक रहे कार्लस का असली नाम कार्ल वॉन लीन था बट ये अपना नाम बदल लिए लैटिन लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने अपना नाम बदल के कार्लस लिनियस रख लिया इनका ओरिजिनल नेम कार्ल वॉन लीन था बिकॉज ये बायोलॉजी के इतने अंदर घुस चुके थे इसलिए ये अपना नाम टेक्सोनोमी में बदल लिया फादर ऑफ टेक्सोनोमी प्लांट एंड एनिमल दोनों के फादर टेक्सोनोमी कार्लस लीनियस को बोलते हैं इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया प्लांटी एंड एनिमेलिया बट ये तीन रीजन से फेल रहे फेल ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री रीजन फर्स्ट ही डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यू कैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इन्होंने यूकैरियोटिक और प्र, प्रोकैरियोटिक के बीच में अलग नहीं बताया यूनिसेल और मल्टी के बीच में भी इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं बताया फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं बताया इसके बाद जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ आए जिन्होंने बुक लिखी जेनेरा प्लांटेरम जॉर्ज बेंथम और हुकर ने स्पर्मेटोफाइटा के बेसिस पे डिवाइड किया जिसमें जिसमें स्पर्म मतलब फाइटा मतलब बीज बीज फाइटो प्लांट प्लांट देने वाले इन्होंने तीन टाइप से कैटेगराइज किया फर्स्ट डाइकोटिल सेकेंड जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड मोनोकोट उसके बाद ए डब्ल्यू आइकर आई आए। आईकर बट इसकी क्लासिफिकेशन में ज्यादा फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को नहीं लिया गया था इन, इसने प्लांट किंगडम को दो सब कैटेगरी में डिवाइज किया फर्स्ट क्रिप्टोगेमिया सेकेंड फेनरोगेमिया क्रिप्टोगेमिया ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दिखाई नहीं देते हिडन होते हैं उसको क्रिप्टोगेमिया कहते हैं एंड फेनरोगेमिया ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दिखाई देते हैं सेक्स ऑर्गेन दिखाई देते हैं उसको फेनरोगेमिया कहते हैं क्रिप्टोगेमिया के अंदर थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा को रखा फेनरोगेमिया के अंदर जिम्नोस्पम एंडस्पम दोनों को रखा था उसके बाद सन नाइनटीन सिक्सटी नाइन में आर एच विटिकर आए आर एच वीटिकर जो है फाइव डी किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया इसके अंदर फर्स्ट मोनेरा सेकेंड प्रोटिस्टा थर्ड फंजाई फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया ये किंगडम आर एच वीटिकर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए उसके मेन क्राइटेरिया जो थे फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिलिटी ऑफ सेल सेकेंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रीशन फोर्थ प्रोडक्शन या लाइफ स्टाइल एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नाउ वी विल से अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अबाउट मोनेरा मोनेरा इज अ ऑल द प्रोरियोटी एक्साम्पल यू बैक्टीरिया रिकीशिया एक्टिमाइसी एंड बीजीए आरकी बैक्टीरिया सेकेंड प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इज अ ऑल द यूनिसेटिक एग्जाम्पल डायनोफेलैजीलेट डायटम यूक्लिनोइड स्लाइमोल्ड स्लाइमोल्ड इज अ फॉल्स फनजाई एंड प्रोटोजेन्स मोल्ड स्लाइटोजेन्स थर्ड फंजाई फंजाई डेट द सेकेंड ने माइकोटा दिस इज अ ट्रू फंजाई true fungi and planty uh, planti is a multicellular plant for example algae bryophyta pteridophyta gymnosperm and angiosperm and last animalia animalia is a multicellular organism multicellular animals but uh, here the arise one question where is a virus viroid and lichen rh vetica was not considered Five Kingdom classification um, about the virus, viroid, and lichen. In this five Kingdom classification, like mydomonas and chlorella, also in protista. Protista kingdom. Thank you for watching. If you like my video, like, subscribe, share.